आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी। नमस्कार, स्वागत है आपका सोनम जी। हाँ जी मैम, नमस्ते जी। सोनम बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम मेरे हस्बैंड का ना वो गोल गोल से छल्ले होके वो गंजापन बीच में से ना उनके बाल उड़ गए बिल्कुल बीच में से चटरी में से। ठीक है ठीक है। तो देखिए जिनके भी बाल उड़ जाते हैं सर से या यहाँ से शेप से भी बाल उड़ जाते हैं, अजीब चिकना चिकना हो जाता है, तो इसे गांवों की जबान में कहते कीड़ा लग गया। तो ये बहुत आसान इलाज भी है। देखिए ये जो लहसुन है आप जो इस्तेमाल होता है किचन में, इसको ऐसे रगड़िए सिल पर, और जब इसका कुछ लुआब यानी कुछ पदार्थ रह जाए जो चिपचिपा पदार्थ है, तो उस पर लगाया करें, ऐसे करके उस पर लगा लें जहाँ भी आपको वो बाल उड़ने लगे। और अगर हैसियत है तो एक नारियल पानी रोज़ाना पीजिए। जब ये लहसुन जहाँ लगाते हैं तो वो खाल वहाँ से झुलस सी जाएगी, मुरझा जाएगी, खुरंट आ जाएगा, तो उस पर फिर लहसुन लगाना छोड़ दें, तेल लगाया करें। जब नीचे से वो खुरंट छूटेगा अपने आप, छूटने दीजिए, और जब वो छूट जाएगा तो वहाँ से बाल आने शुरू हो जाएंगे, और नारियल पानी जारी रखें तो उनका ठीक होना मुमकिन है। कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुड़िया जी जी गुड़िया बताइए क्या जानना चाहती हैं? तुमको 12 साल से थायराइड है और शुगर भी है, तो किसी का निदान जानना चाहती है। आप अपनी एज बताइए। 35 साल। देखिए बहुत कम उम्र में थायराइड और डायबिटीज है आपको, मैं दोनों का इलाज बताता हूँ। देखिए आपके किचन में जो धनिया है आप लिख लीजिए, किचन में जो धनिया है 300 ग्राम लेना है, और आंवला मिलता है सूखा हुआ वो 100 ग्राम लेना है, और मेथी जो मेथी दाना किचन में होता ही है 100 ग्राम वो लेना है, और 100 ग्राम मोरिंगा का गौन, गौन मोरिंगा भी कहते हैं, मोरिंगा का गौन असली लेना, ये थोड़ा सा महंगा आता है। इन सबको पाउडर बनाए, सफ़ूफ बनाए इसका, पाउडर बनाकर थायराइड की गोली जारी रखें, वो खाते रहें, और अपना थायराइड का टेस्ट कराएं कि कितना है, फिर ये शुरू करें, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, यानी 3-4 ग्राम छोटा चाय का चम्मच खाएं सुबह पानी से, गर्म पानी पिया करें दिन में 5 बार, और ये एक एक चम्मच खाएं सुबह और शाम, और वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर ने आपको थायराइड की दी है, टेस्ट पहले करा लें, और फिर अगले महीने टेस्ट कराएंगे तो आपको और आपके डॉक्टर को आपके पूरे परिवार को खुशी होगी कि थायराइड बैलेंस में आना शुरू हो गया, और ये जो मैंने मटेरियल बताया है ये ख़त्म होते होते आपका थायराइड भी आपको छोड़ देगा, और वो गोली तो छूटी जाएगी जो डॉक्टर अपना आप छुड़ा देगा कि थायराइड जब कंट्रोल हो गया तो दवा किस बात की दूँ, फिर ये भी छोड़ देना आप, 5-6 महीने लगेंगे, इतना सबर कर सकते हैं तो आप इसे लीजिए। और अगर आपको शुगर भी है तो शुगर का भी इलाज जारी रखिए, जो खाते हैं वही दवा खाइए, लेकिन जैतून का सिरका, ऑलिव आता है ना ऑयल, ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव का सिरका आता है, विनेगर आता है ऑलिव का, वो 2-3 चम्मच रात को एक गिलास पानी में डाल के रोज़ाना रात को पी के सोया करिए, आपकी आपकी डायबिटीज़ की दवा भी कम हो जाएगी, लेकिन डायबिटीज़ का अभी मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत कंट्रोल रखेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचने देगा ये नुस्खा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धीरे धीरे करके आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में आ जाएगी, वो कैसे, ये देसी नुस्खे अपना के करके देखिए, फिर देखिएगा धीरे धीरे करके आपकी डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल में आ जाती है। बाकी फीडबैक कॉल का इंतज़ार हमें हमेशा ही रहता है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से हम बात कर लेते हैं। शशिकला हैं MP से हमारे साथ, स्वागत है आपका।
हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए शशिकला। हाँ जी जी बताइए। जी मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ था तो नस दबी है मेरी कमर से। कितनी एज है और कब हुआ था एक्सीडेंट? मेरी एज है 43, दो साल हो गए हैं। अच्छा देखिए, एक ऐसी दवा, एक रॉ मटेरियल है, आप लिख लीजिए उसको, एक रॉ मटेरियल है जिसे हम गोंद स्याह कहते हैं, यानी स्याह कहते हैं काले को, गोंद स्याह कहते हैं या काला गोंद भी कहते हैं, काला गोंद या गोंद स्याह। ये ब्राउन ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउन कलर का, और जायके में बहुत कड़वा होता है। कोई गोंद कड़वा नहीं होता, लेकिन ये इतना कड़वा होता है कि मैंने अपने जीवन में इतनी कड़वी दवा नहीं देखी। ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें और इसकी गोलियां बना लें, पाउडर बना के, चने या मटर की बराबर, एक गोली सुबह नाश्ते के बाद, एक रात को, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से आप खाना शुरू करें। ये 100-200 ग्राम गोंद खत्म होते होते आपकी तबीयत ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है आरव गुप्ता इलाहाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी आदाब। हकीम जी, हमारी वो सुधा सुधा नाम है हमको, हमारी पत्नी का, वो उसको सोराइसिस है। ठीक है, कब से है? तो 4-5 महीने से। अच्छा, पूरी बॉडी पर है या किसी एक दो हिस्से पर है? नहीं, बॉडी पे कुछ दाने आने पर, पैर में निकले थे तो फिर वो एलोपैथिक दवा किया था, उसे आराम मिला, लेकिन दवा बराबर खाना पड़ता है, दवा बंद कर दीजिए तो फिर दाने शुरू हो जाते हैं, सूजी होने लगती है। ठीक है, सोराइसिस वाले को थोड़ा सब्र वाला होना चाहिए और पहले हिदायत सुनिए फिर इलाज सुनिए। हिदायत यह है कि एनिमल फैट छोड़ दें। एनिमल फैट का मतलब है कि लोग मीट को एनिमल फैट समझते हैं, दूध में भी एनिमल फैट है, मीट में भी एनिमल फैट है, तो मस्का जो होता है मक्खन में भी है, तो घी में भी है, तो एनिमल फैट छोड़ना है। और एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा, मोरिंगा का गोंद, मोरिंगा का गोंद लें, 100-200 ग्राम ले लें, जितना भी लें। और अलसी लें, अलसी आपकी धर्मपत्नी जानती होंगी, अलसी 100-200 ग्राम लें, जितना मोरिंगा गोंद लें इतनी अलसी लें, इसका पाउडर बना लीजिए और दोनों को मिक्स करके, और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम दोपहर, आधा ग्राम शाम, पानी से बगैर चर्बी के दूध से, पानी से बहुत बेहतर है, चर्बी नहीं होनी चाहिए, दूध हो तो जूस से ले सकते हैं, पानी बेस्ट है, गर्म पानी उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ये आप अगर ये मटेरियल जितना मैंने बताया, जैसे 200 ग्राम दोनों चीज़ें ले ली, ये ख़त्म होने तक आपकी पत्नी का सोराइसिस ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं कुशन मुंबई से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। हेलो जी, बोलिए, अपना प्रश्न कीजिए। हाँ मैडम, मुझे बीपी का जरा प्रॉब्लम है, मेरा एज है 62। हेलो जी, मेरा बीपी हाई रहता है मैम, और नमस्ते मैम जी। जी आपसे कहना चाहूंगी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक सही से आ रही है, आप सवाल कीजिए। हाँ मैडम, मेरा उम्र है 62 साल का। हेलो। और मुझे बीपी का हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, 5-6 सालों से टेबलेट चालू है। और ठीक है ठीक है, चलिए कि इससे जरा बच के रहें और बहुत अच्छा इलाज बताता हूँ आपको, अगर आप कर सकें तो। सब चीज़ें घरेलू हैं, देखिए लहसुन, अदरक,
लीमू, इन सब का एक एक लीटर जूस निकालना है, इनको इनका किसी भी सूरत में जूस निकालना है एक एक लीटर। और एक सिरका आता है, जैतून का सिरका, ऑलिव का विनेगर, जैतून का सिरका हम लोग कहते हैं आसान जबान में, जैसे गन्ने का आता है, अंगूर का आता है और सेब का भी आता है, ये जैतून का सिरका है, ये भी एक लीटर लीजिए। सबको मिक्स कर दीजिए, दो तीन चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, दो तीन चम्मच रात को खाने के बाद पी लिया करिए। ये एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल की खबर लेगा, उसको बिल्कुल नहीं बढ़ने देगा, खून पतला करेगा, तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। दिल पर कोई परेशानी है, दिल क्योंकि प्रेशर तो दिल पर पड़ता है, तो जैसे इस उम्र में दिल के करीब या दिल की रगों में चर्बी जम जाती है, जैसे हमारी नाली बंद हो जाती है, बर्तन धोने की नाली बंद हो जाती है, तो हम कैसे डालते हैं उसमें एसिड और गर्म पानी, ऐसे इस ये सिरप बनेगा। और तीन तीन चम्मच सुबह शाम पिया करिए, ये ख़त्म होने तक आपका रोग ख़त्म होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं सुलोचना जी, करनाल से हमारे साथ, स्वागत है आपका सुलोचना। हाँ जी नमस्कार जी। जी आदाब डॉक्टर साहब, मेरी टांग में ना बहुत ज्यादा दर्द है जी, मेरी टांग में शैटी का दर्द भी है जी, और ये टांग टेटी भी हो गई है, गोड्डे के बीच में मतलब ऐसे मुझे मालूम होता है जैसे हड्डी बहुत ज्यादा बिल्कुल लाठी की तरह जो वो बिल्कुल सीधी रहती है, बिल्कुल मुड़ती नहीं है जी, और कमर में इतना दर्द है कि मैं दो मिनट बैठ नहीं सकती बिल्कुल भी। अच्छा ये बताइए कि आपका वजन ज्यादा है, कम है या बराबर है? नहीं जी ज्यादा नहीं है जी, मेरा वजन ठीक है जी, मतलब ये है मेरा 7 किलो के करीब है जी। अच्छा घर में वो वेस्टर्न टॉयलेट है जो कुर्सी वाला बाथरूम होता है? हाँ जी हाँ जी, ये तो हमारा काफी दिनों से है, बहुत उसी में है, और मुझे स्टंट भी चढ़ा हुआ है 12 साल से। ठीक है ठीक है, अब आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, और स्टंट पड़ा हुआ है तो लहसुन खूब खाया करें। लहसुन मैं भी खाता हूँ, देखिए हमारी उम्र और आपकी उम्र बड़ी उम्र वाले हैं हम, और हमारे बड़ी उम्र में हमारा चर्बी खून में बढ़ने लगती है कुदरती तौर पर, लहसुन अदरक जीरा खाने से हमारी चर्बी पिघल जाती है, तो उसका ख्याल रखें। लेकिन साइटिका का एक ऐसा इलाज मैं बताता हूँ जो मैंने जिसको बताया उसको फ़ायदा हो जाता है, और एक तो वज़न नहीं उठाएं आप, और हमारी आपके उम्र वाले लोग मेहनती बहुत होते हैं, जब इलाज शुरू करें तो मेहनत मत करें, वज़न नहीं उठाएं, थोड़ा आराम ही करें। गोंद स्याह, एक गोंद है जिसको गोंद स्याह कहते हैं, स्याह कहते हैं काले को, काला गोंद आता है, बहुत कड़वा होता है, काफ़ी नकली भी मिलता है, बहुत ज़्यादा नकली भी मिलता है, तो असली ले लीजिए, और ये 100-200 ग्राम खरीद लें, इसको पाउडर बनाएं और इसकी गोलियां बना लें, चने या मटर के बराबर गोलियां बना लें पाउडर बना के, गम है ये आसानी से बन जाएंगी। और ये 100-200 ग्राम गोंद ख़त्म होते होते आपकी साइटिका का ठीक होना मुमकिन है। तो देखिए आपके सुलोचना जी, जो परेशानी है, जो बीमारी इतने टाइम से आपको जकड़ के रखी हुई है, यानी कि आप पता नहीं कब से सफ़र कर रही हैं इस परेशानी से, और ऐसी ही कितनी सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, यानी 5 साल 10 साल 15 साल आप अपना पूरा जीवन जो है रोग के साथ ही निकाल देते हैं, और आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, और आप खुद तो परेशान होते हैं, आपका परिवार भी परेशान होता है। तो आप लोग जुड़िए दर्शकों इस कार्यक्रम से, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीधा इतने कीमती देसी नुस्खे बताए जा रहे हैं जो आपके घर से ही शुरू होते हैं। परेशानी कोई भी क्यों ना हो, आपको थायराइड हो, आपको लीवर संबंधी कोई परेशानी हो, या फिर किडनी रिलेटेड कोई परेशानी हो, डॉक्टर ने कह दिया है कि आपकी परेशानी अब ऑपरेशन से ही दूर होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने कॉलर्स ऐसे हैं, कितने दर्शक ऐसे हैं जो हमें देख रहे हैं, ऑपरेशन कराने के बावजूद भी आज तक वो ठीक नहीं हो पाए हैं। तो जुड़िए इस कार्यक्रम से, देसी नुस्खे जानिए और अपने आप को रोग मुक्त रखिए।